नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 8 सितंबर दिन मंगलवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या बढ़कर 149,027 हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1369 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 754 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 130,300 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1924 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पटना में आज से खुलेंगे मॉल, दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सीमा खत्म। केंद्र के सभी आदेश राज्य में लागू होंगे। पटना में मंगलवार यानी आज से सभी मॉल खुल जाएंगे। डीएम ने दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सीमा भी खत्म कर दी है। अब सुबह रात 10 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। पहले आवश्यक चीज़ों के लिए दुकानों को खोलने का समय सुबह 6 से रात 10 बजे, बाकी दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही था। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। दरभंगा एम्स को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। 700 बेड का होगा अस्पताल, खर्च होंगे 1361 करोड़ रुपये। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आने वाली लागत को वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा का यह अस्पताल 700 बेड का होगा और इसके निर्माण पर 1361 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आग्रह पर दरभंगा एम्स और राज्य में बन रहे दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निर्माण कार्य की रविवार को समीक्षा की। उन्होंने वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि अब कार्य और तेजी से होगा। वहीं उन्होंने बताया कि दरभंगा एम्स के शुरू हो जाने से उत्तर बिहार के लोगों को काफी लाभ होगा। एनसीबी ने रिया से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की, 8 घंटे सवाल किए और आज भी बुलाया। फॉरेंसिक टीम सुशांत को जहर देने के एंगल से जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। उनसे करीब 8 घंटे सवाल किए गए। पूछताछ आज भी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और हेल्पर दीपेश सावंत को आमने सामने बैठाकर सवाल किए हैं। उधर एम्स का फॉरेंसिक बोर्ड सुशांत मामले में जहर के एंगल को देखते हुए विसरा टेस्ट करा रहा है। 10 दिन में इसके नतीजे आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एनसीबी ने बताया, दीपेश सावंत है ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर। रिया के कहने पर खरीदे थे ड्रग। एनसीबी ने 36 घंटे के अंदर एक के बाद एक 3 गिरफ्तारी की। इन 3 लोगों में सुशांत के स्टाफ मेंबर रहे दीपेश सावंत को एनसीबी ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। दीपेश को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने दीपेश सावंत को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेज दिया है। एनसीबी ने दीपेश को ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बताया है। वहीं दीपेश ने रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दीपेश ने बताया कि रिया के कहने पर ही उसने ड्रग्स खरीदे थे। सीएम नीतीश की पहली डिजिटल रैली में ऐलान, कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय प्रतिदिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से मौत होने की परिस्थिति में परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गरीबी बेरोजगारी समेत 10 मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूबे का सियासी पारा जरूर चढ़ने लगा है। खास तौर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राज्य
राज्य में कोई जनाधार नहीं है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला RJD और BJP के बीच है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से 10 बड़ी बातों पर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर लोजपा को स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार का नेतृत्व, 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा को नीतीश का चेहरा पसंद नहीं है। लोजपा यह नहीं चाहती है कि नीतीश अब बिहार में NDA का नेतृत्व करे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोजपा बिहार में भाजपा की तरफ से CM कैंडिडेट चाहती है। साथ ही लोजपा बिहार में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी 143 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची बनाकर जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देगी। बिहार चुनाव को लेकर गठबंधन के सारे फैसले लेने के लिए पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। नीतीश के मंत्री पर फूटा लोगों का गुस्सा, सरेआम भारी बेइज्जती, कार्यक्रम छोड़कर उल्टे पांव भागे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले नेता तबातोड़ शिलान्यास और उद्घाटन में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नीतीश सरकार के एक मंत्री अपने ही इलाके में लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ी। मंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़का कि मंत्री जी कार्यक्रम स्थल से उल्टे पांव भागना पड़ा। आचार संहिता के डर से काम हुए बिना ही मंत्री उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखते ही उन्हें बेरंग लौटना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि पहले काम कराएं फिर उद्घाटन होगा। मामला मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के ढंगा पंचायत का है, जहां चंपा गांव में PHED मंत्री विनोद नारायण झा हर घर नल योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। नीतीश की वर्चुअल रैली को लाइक से ज्यादा मिले डिसलाइक, जानिए किस प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल JDU के नए कार्यालय में बने कॉरपोरेट सभागार से निश्चय संवाद को संबोधित किया। यह एक वर्चुअल रैली थी जो पार्टी और JDU नेताओं के पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी। इसके अलावा मीडिया के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि CM को जिन लोगों ने चुना उन्होंने नीतीश के भाषण को लाइक करने के बजाय नापसंद यानी कि डिसलाइक ज्यादा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के आंकड़े के मुताबिक CM नीतीश के निश्चय संवाद कार्यक्रम को सोशल मीडिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर लगभग 1 घंटे में 27,000 से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक CM के शुरुआती 1 घंटे 10,000 लोगों ने डिसलाइक किया। विधानसभा चुनाव में पटना के 73,000 मतदाता घर से देंगे अपना वोट, इन्हें मिलेगी विशेष छूट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले के 73,000 मतदाता EVM से मतदान नहीं करेंगे, उनके लिए प्रशासन ने बैलेट पेपर की सुविधा दी है। इस साल ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है वह घर से ही बैलेट पेपर से अपना मतदान करेंगे। इस बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार वृद्ध लोगों के लिए बैलेट पेपर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। पटना के 73,000 मतदाता अपने घर से ही मतदान करेंगे। बिहार में बारिश और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के उत्तरी जिलों में तेज बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सुपौल अगले 2 दिन तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर के बाद बिहार के साथ UP, झारखंड और नेपाल के कई जिलों में मध्य और तेज बारिश के आसार हैं। बेगूसराय में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, CM नीतीश और PM मोदी के खिलाफ किया जमकर विरोध। बेगूसराय के युवाओं ने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं आने और रेलवे के निजीकरण एवं बिजली बिल माफ करने को लेकर बेरोजगार युवाओं तथा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने DM ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बेगूसराय के युवाओं और पूरे बिहार के युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा ठगने का काम किया गया है और हम बेरोजगार होकर अब युवा सड़कों पर घूम रहे हैं।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा का फॉर्म 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरा स्टूडेंट 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने 9वीं और 11वीं रजिस्ट्रेशन की तिथियों भी जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 सितंबर से 4 नवंबर तक भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 से 13 नवंबर तक भर सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने स्नातक स्तरीय कृषि फार्मेसी फिजियोथेरेपी सहित अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का एक और मौका दे दिया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म bcecboard.bihar.gov.in पर भरना होगा। आवेदन करने वाले स्टूडेंट के 12वीं में कम से कम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। वहीं आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट को मार्क्स में 5% की छूट दी गई है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।